पूरे विश्व में पुरातत्विक और विरासत स्थलों को पर्यटन और अध्ययन के लिए संरक्षित किया जाता है, लेकिन भारत में राजनीतिक, प्रशासनिक और सार्वजनिक उदासीनता के कारण राज्य के कई ऐसे स्थल नष्ट हो रहे हैं। इसका एक उदाहरण यह है कि चंद्रपुर जिले के वरूरा तालुका में 65 मिलियन वर्ष पुराने विशाल डायनासोर का एकमात्र जीवाश्म स्थल आज नष्ट हो गया और ये अब भविष्य के शोधकर्ताओं और अध्ययनों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। भूविज्ञान शोधकर्ता प्रोफेसर सुरेश चौपने ने यह जानकारी दी है। चंद्रपुर जिले में केवल एक ही स्थान टेम्बोडा पीसादुरा में बड़ी संख्या में डायनासोर के जीवाश्म है। इसी क्षेत्र में भद्रावती तालुका में कुछ अवशेष पाए गए, लेकिन पीसादुरा में उनकी हड्डियां, मल, गोले और पौधे के जीवाश्म बड़ी मात्रा में पाए गए थे। प्रोफेसर सुरेश चौपने ने 1999 से आज तक इस क्षेत्र में शोध किया था और कुछ महत्वपूर्ण संग्रह किए थे, लेकिन 27 अप्रैल 2024 को जब चौपने सर ने सर्वेक्षण के उद्देश्य से इस क्षेत्र का दौरा किया तो देखा कि यहाँ के सभी जीवाश्म लगभग नष्ट हो गए। उनके द्वारा अब तक एकत्र किए गए थे अमूल्य साक्ष्य उनके निजी जीवाश्म संग्रहालय के माध्यम से शोधकर्ताओं और छात्रों को उपलब्ध कराए गए। उन्होंने पीसादुरा में एक डायनासोर पार्क और भद्रावती में एक बड़ा पुरातत्व संग्रहालय स्थापित करने के लिए तत्कालीन कलेक्टर को एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया और इसे मंजूरी दे दी गई है, लेकिन तत्कालीन सरकार द्वारा काम में देरी के कारण जिले के डायनासोर स्थल, पुरातत्विक और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित नहीं किया जा सका। हालांकि चंद्रपुर जिला ऐतिहासिक स्थलों से समृद्ध है, लेकिन अफसोस की बात है कि यहां आज भी पुरातत्व विभाग का संग्रहालय नहीं है। इस कारण जिले की कई ऐतिहासिक मूर्तियां चोरी हो रही हैं और इन स्थानों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। आता आपण ज्या ठिकाणी आहे ते वरोरा तालुक्यातलं एक डायनासोरचं जे स्थळ आहे ते स्थळ आहे, टेंबुर्ड्याच्या अगदी जवळ आहे आणि 6 कोटी वर्षापूर्वी या ठिकाणी डायनासोर्स होते। पाण्यामधले जे सर्व म्हणजे शंख शिंपले आहे त्याचं जीवाश्म आपल्याला इथे मिळते आणि डायनासोर आणि इतरही जे प्राणी आहे जे त्या काळात इथे खतम झाले त्यांचं सर्व अवशेष आपल्याला या ठिकाणी मिळते आहे। आज 27 एप्रिल 2024 आपण इथे आलेलो आहे आणि हे या ठिकाणी याच्यापूर्वी मी 15 ते 20 वेळा आलेलो असेल। आता ही माझी शेवटची ही फेरी आहे, कारण इथे जेवढे काही फॉसिल्स होते ती इथले शेतकऱ्यांनी सर्व गोळा केलेली आहे, किंवा पीसादुरा म्हणून जे गाव आहे तिथे त्यांनी एक छोटंसं लहानसं म्युझियम त्यांनी केलं आणि त्या ठिकाणी सर्व शेतकऱ्यांनी ते घेऊन गेले आहे, किंवा बाहेरचे लोक येतात त्यांना कदाचित ते विकलेले असतील। म्हणून इथे पाहतो आहे आपण ह्या संपूर्ण 2 किलोमीटर एरियामध्ये आपल्याला हे जीवाश्म मिळत होते। आज मात्र 5 आणि 6 आपल्याला फक्त शेवटची जी बोन्स आहे ती इथे मिळालेली आहेत आणि कदाचित आता ही संपलेली आहे असं म्हणायला हरकत नाही, कारण इथले शेतकरी ते गोळा करायला लागलेले आहेत। तर हे एवढं मोठं संरक्षित स्थळ असायला पाहिजे होतं ते आता राहिलेलं नाही आहे, आता संपूर्ण संपलेलं आहेत। हेच विदेशामध्ये आपण असतो तर अशा प्रकारच्या स्थळाला संरक्षित स्थळ म्हणून घोषित केलेलं असतं, परंतु आपल्याकडे प्रशासन शासनाची तेवढी ही नाही आहे, म्हणजे इच्छा नाही आहे आणि म्हणून हे स्थळ जवळजवळ आता नष्ट झालं असं म्हणायला काही हरकत नाही आहे। जे काही अवशेष आहेत ते माझ्याकडे अवशेष शिल्लक आहेत, काही लोकांनी घेऊन गेले असतील त्यांच्याकडे शिल्लक आहेत, किंवा शासनाकडे संग्रहालयात शिल्लक असतील। तर असं स्थळं भारत चंद्रपुरामध्ये खूप आहेत, जीवाश्म स्थळ आहे, ती संरक्षित व्हावं अशी आमची मागणी आहे। खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट, हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज तंदूरी कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना, इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327461997207556199। माना पालाचा ना त्या गोत्याचा पसारा लई बई वढला,
रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यांनी उतारा काढला लगीन घाई सुचून देई खरे दिने पना काढला खरे दिला वरसी दिने उत्साह नवा आणला बांधला